नई दिल्ली साल 2022 में अब तक दिल्ली मेट्रो के यात्रियों द्वारा नियमित यात्रा के लिए स्मार्ट कार्ड के प्रयोग में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। कोविड के प्रसार से पूर्व जहां स्मार्ट कार्ड का प्रयोग लगभग 70% था, वहीं जनवरी 2022 से यह आंकड़ा लगभग 78% तक पहुंच गया है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2020 में दिल्ली मेट्रो में 3 से 4 महीने के लिए स्मार्ट कार्ड का प्रयोग 100% तक हो गया था, जब एहतियातन 169 दिनों तक लगातार लॉकडाउन के बाद सितंबर 2020 में मेट्रो सेवाएं पुनः बहाल हुई थीं। वर्ष 2002 में यात्रा के लिए पेपर टिकट के स्थान पर टोकन और स्मार्ट कार्ड जारी करने वाली संस्था के रूप में दिल्ली मेट्रो विश्व की पहली मेट्रो रेल बनी। पहले स्मार्ट कार्ड को विदेशी वेंडर द्वारा खरीदा जाता था, लेकिन अब भारत सरकार की महत्वपूर्ण पहल आत्मनिर्भर भारत मिशन के अंतर्गत इसका निर्माण पूर्ण रूप से भारत में ही होता है। वर्तमान में लगभग 2.5 करोड़ मेट्रो स्मार्ट कार्ड प्रयोग में है। प्रतिदिन औसतन 10 से 12 हजार मेट्रो स्मार्ट कार्ड की बिक्री मेट्रो स्टेशनों से होती है। डीएमआरसी ने केवल स्मार्ट कार्ड प्रयोग करने वाले ग्राहकों के लिए अधिकतर मेट्रो स्टेशनों पर अलग से डेडिकेटेड एग्जिट गेट भी उपलब्ध कराया है। साथ ही प्रत्येक यात्रा पर 10% की छूट दी जाती है तथा कम भीड़ भाड़ वाले समय में मेट्रो स्टेशन में प्रवेश करने पर 10% की अतिरिक्त छूट दी जाती है। डीएमआरसी ने हाल ही में स्टेशनों पर यात्रियों के समय की बचत करने एवं उन्हें कतार से छुटकारा देने के लिए स्मार्ट कार्ड को रिचार्ज करने के लिए कई नई पहल की शुरुआत की है, जिसमें स्मार्ट कार्ड को टीवीएम से रिचार्ज करने, विभिन्न बैंकों द्वारा मेट्रो कॉम्बो कार्ड निर्गत करने, स्टेशन पर क्रेडिट कार्ड से लेन देन की सुविधा डीएमआरसी smartcard.com के प्रयोग से नेट बैंकिंग तथा मोबाइल वॉलेट आदि विकल्प शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।